ঝুলিয়ে পড়ে আরো 22 টাকা হয়ে যা আছে লাগবে ব্লগ হইব নি ব্লগ হবে ঠিক আছে हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कल है संक्रांति और आज आप लोग का शायद बहुत कुछ प्लान भी हो चुका होगा, बहुत लोग पिकनिक भी मना रहेंगे होंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही प्लान बना रहे थे कि कुछ पिकनिक हो, एटलीस्ट संक्रांति के पहले होने से अच्छा लगता है। तो एक्चुअली प्लान था हम कहीं बाहर जाएंगे स्कूल के सब कलीग्स मिलके, लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि हम लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि स्कूल में ही हम लोग मैनेज करते हैं, रात को एक पार्टी हम अरेंज करेंगे। तो सब लोग कंट्रीब्यूशन किए थे और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जहाँ पर कुकिंग हो रहा है। तो कुकिंग के लिए हमने एक लड़की को अरेंज किया था, वो कुकिंग करेगा। तो यहाँ पर कुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बड़ा एक मीन्स डेग बोलते हैं, तो वो आ चुका है। पता नहीं अभी क्या बन रहा है, पता नहीं, मैं पूछूंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे लग रहा है अभी फ्राइड राइस के लिए ही तैयारी चल रही है। और यहाँ पे सब अरेंजमेंट भी है, बर्तन वर्तन सब यहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे आक्रम सर आए हैं और मुझे पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। Hi. Hi. तो एक्चुअली आक्रम सर ही बहुत ज़्यादा मीन्स अरेंज कर रहे हैं। हम लोग तो साथ थे, लेकिन फिर भी मीन्स पैसा देने से तो सब कुछ नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। और यहाँ पे ओपुदा एकदम मेन मीन्स वो रोल निभा रहे हैं, ये बॉनफायर जलाने के लिए जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं ना वही कर रहे हैं। और बार बार मीन्स आग जैसे कि बुझ ना जाए इसलिए वो मीन्स बार बार आग ला के दे रहे हैं लकड़ियाँ। बाद में सभी लोग ला के दे रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में एक्चुअली ओपुदा ने किया था। और यहाँ पे पांचाली मैम और शागुरिका मैम प्रेजेंट है और बाकी अभी लोग आए नहीं है। तो जब लोग आएंगे सब कलीग्स, मैं आप लोगों के साथ मिलाऊंगी सभी लोगों को। हाय बोलो। हाय बोल बे ना बोला। अक्रम सर। हाय। अक्रम सर बताओ आज का मेनू क्या है? मेनू बहुत कुछ है। तो बताओ ना क्या क्या है। चिकन, मटन, पहले बम्बू। अच्छा बताओ, कोई तो बताओ मेनू क्या है, किसी को पता है? फ्राइड राइस, चिकन, पनीर, मटन। मटन मटन भैया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो मेनू जो जो आपने सुना है उसमें थोड़ा चेंजेस है, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे अरिजीत सर सब लोग मीन्स डांस कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे गाना नहीं ला सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, लेकिन सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और अभी सांबा सांबा एक पुराना गाना है वो चल रहा था, तो बहुत ही मज़े कर रहे थे हम लोग। और ये आग का जो मीन्स अच्छा लग रहा था एकदम, आग का ठंड में इतना गरम गरम बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, साथ में पांचाली शागोरिका, जो लोग डांस नहीं आता है ना सभी लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे थे। और हम लोग ने फुल सभी लोगों को बताया था कि जो जो जानते हो जैसा स्टेप है डांस करने का सभी लोग सब कुछ करते रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, मीन्स एक साथ सभी लोग अगर मस्ती करते हैं, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट का इशू यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो किया है आप लोगों के लिए। और बहुत सारा हम लोग ने फिर कलीग लोगों ने फोटो भी खींचा है। और ये मीन्स आग के लाइट से जो फ़ोटो हम लोग ने खींचाई वही है, कोई अलग से हम लोग ने लाइट यहाँ पे लगाया नहीं है। तो ये एक अलग मीन्स फेस अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था मीन्स देख के। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ कुकिंग की जगह पर। तो कुकिंग की जगह पर एक्चुअली क्या हुआ था, गैस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी लास्ट एक्चुअली फ्राइड राइस बाकी है, राइस धो के रेडी है एकदम। और यहाँ पे साथ में गाजर कटे हुए हैं। और यहाँ पे दो आइटम ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे कढ़ाई पे करने वाले थे फ्राइड राइस, यहाँ पे शायद फ्रेंच फ्राई होगा, फ्रेंच फ्राई स्टार्टर में है। यहाँ पे हमारे भट्ट सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बाकी सारे सामान जो लगेंगे मीन्स हल्दी ये सब, नमक, चीनी जो भी है। और गैस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए बाद में उन्होंने अलग से बाहर से मीन्स लकड़ी से उन्होंने जो बोलते हैं ऐसे उन लोग ने बनाया। तो उससे क्या हो रहा था कि थोड़ा मीन्स हाई फ्लेम आ रहा था,
तो इसी में ही उन लोग ने सोचा कि इसी में ही हम लोग कर लेते हैं। और ऑलरेडी ये 8:30 बज चुका था, बहुत लोग अभी तक नहीं आए थे, फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे सभी का, क्योंकि सब आएंगे तभी खाना वाना स्टार्ट होगा। और गर्मा गर्म स्टार्टर में क्या है मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। और यहाँ पे अच्छे से मीन्स खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी मीन्स फ्राइड राइस का। तो मेन मैंने एक बता दिया क्या फ्राइड राइस है डिनर में, और बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही मीन्स लग रहा था। ऐसे कुकिंग करना एक अलग मज़े की बात होती है, और वो भी खुले आसमान के नीचे, वो अलग ही एक अच्छा लगता है। सो एक्चुअली पिकनिक क्या होता है, हर वक्त हम लोग बिजी लाइफ में मीन्स रहते हैं। पिकनिक ठंडे के टाइम आने से क्या होता है, हम लोग का खाना वाना भी हजम होता है अच्छे से, तब उस टाइम अगर आप थोड़ा बहुत रिच खाना खाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना गर्मी के टाइम फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि ठंडे के टाइम भी बहुत लोगों का डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। अभी पुराने दिन एकदम नहीं रहे हैं, दिन ब दिन मीन्स बुरे दिन ही आ रहे हैं, मतलब सबका हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर भी हम लोग इसी बीच सोचते हैं थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खाए, टेस्टी टेस्टी खाना खाए, वही चलता रहता है। तो इसीलिए पिकनिक अरेंजमेंट होता है, एक रिलैक्सेशन होता है, गाना बजता है, डांस होता है, सब लोग खुल के थोड़ा गॉसिप करते हैं, वही पिकनिक का मेन चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो बन रहा था पिकनिक का खाना, जो फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हवा दे रहा था, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा ठंडा मीन्स की रहा है। आप लोग फील कर रहे हैं कितना मीन्स ठंडा इस बार हम लोग फील कर रहे हैं। तो अभी सभी हम लोग के सीनियर टीचर सब लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे ना सुष्मिता मेरी मोबाइल लेके क्या क्या कर रही है पता नहीं, खुद को ही उठा रही है या फिर दूसरे को उठा रही है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डांस कर रहे थे, तो मैं थोड़ा कैमरा लेके घूम घूम के कर रही थी, क्योंकि लाइट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और साथ में अभी शब्दमिता हंसते हंसते पांचाली हंसते हंसते एकदम ख़त्म हो रही थी। हम लोग मीन्स डांस का मीन्स ऐसा चल रहा था, मतलब जो जिसे जो आता है वो मीन्स डांस स्टेप फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने अभी अरिजीत सर को शायद दिया था कि चलो अभी थोड़ा डांस कर लेते हैं हम लोग। तो मैनो का माथा ही दिलो घूमटा ये सॉन्ग बज रहा था, और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे तृष्णा मिस भी डांस कर रही थी, पल्लवी मिस, फिर सागरिका मैम, फिर यहाँ पे प्रियंका, और फिर सप्तमिता, शंपा मैम, मैं, सुष्मिता, पांचाली पता नहीं कहाँ छुप गई। पांचाली को फिर से सप्तमिता ने एंट्री लिया कि चल डांस करते हैं, इधर खड़े हो के तो क्या करेगी। और इसके बाद इधर उधर हम थोड़ा स्पेस हम लोग का बड़ा हो चुका था, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मीन्स डांस करने का। तो मैं तो फुल मस्ती में थी एकदम, मैं सबको खींच खींच के ला रही थी कि मुझे अभी डांस करने का चांस मिला यहाँ पे, तो चलो डांस कंप्लीट कर रहे थे। और अभी सुष्मिता थोड़ा आँख बुझ रहा था, इसलिए थोड़ा वो ठीक कर रही थी। और यहाँ पे देखिए सन क्या बोल रही है, सन किस हर वक्त आ रहा था, एक्चुअली जो चेहरा मुझे दिख रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने लास्ट जो दिखाया था प्रेशर कुकर में क्या हो रहा था, आप लोग ज़रा मीन्स गैस करना। और अभी मिडिल ऑफ द सेशन क्या हुआ था, एक म्यूज़िकल राउंड भी हो चुका था जिसमें मैं विनर थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली म्यूज़िकल चेयर का क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस तो मुझे ज़्यादा नहीं है, मीन्स ज़्यादा खेलना मिलना होता नहीं है, लेकिन उस दिन जुनून में आ गई थी तो थोड़ा बहुत हो गया। और सभी लोग एंजॉय करके खेल रहे थे, कोई प्राइज़ वाइज नहीं था। और इसके बाद फिर हम लोग अभी और एक डांस में धामाइल जो डांस होता है, हम लोग का बंगाली का क्या होता है, धामाइल एक मास्ट होता है, तो ये वाला हम लोग प्रैक्टिस करने लग गए थे। और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप हम लोग यूज़ कर रहे थे, अगर आप गाना सुनते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन सॉरी फॉर दैट, गाना आप समझ ही रहे हैं अच्छा ही कुछ होगा। और यहाँ पर अच्छे अच्छे हम लोग स्टेप्स यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे ये स्पीडिंग स्पीड हो गया था गाने में, तो यहाँ पे हम लोग क्या जो मार रहे थे पता नहीं, हंसते हंसते ख़त्म हो रहे थे क्या क्या स्टेप, तो एंड हम लोग का हुआ था। और यहाँ पे अभी रेडी है हम लोग का कॉफ़ी।
तो प्रेशर कुकर में क्या था आप लोग को दिख गया, कॉफ़ी था, मीन्स बर्तन की कमी हो गई थी इसलिए कॉफ़ी। और अभी हम लोग का डिनर सेशन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 10 बज चुके थे और सभी लोगों को घर जाना था क्योंकि नेक्स्ट दिन फिर से हम लोग को काम पे आना था। और यहाँ पे है फ्राइड राइस, फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा बना था, साथ में पनीर और चिकन मैं दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन पहले दिखाया था मैंने जो कुक किया गया था, तो वही हम लोग का कम्प्लीट आज का डिनर है। सो कैसा गया हम लोग का पिकनिक व्लॉग आप ज़रूर बताना। और बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी संक्रांति सभी लोगों को, टेक केयर।